नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन जीके की, जो है हमारे पास स्पेशली ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड, यानी परिवहन से रिलेटेड। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, जितने भी आपके पास ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। ओके, चाहे आपके पास कैरिज से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली इसमें सबसे पहले हमारे पास जो भी रोड ट्रांसपोर्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम पहले स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, वो है हमारे पास राजमार्ग 7। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो है आपके पास फैला हुआ है। सेकंड के ऊपर हमारे पास आता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं संख्या 1 और संख्या 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है आपके पास, ग्रैंड ट्रंक रोड आपके पास कहा जाता है। ओके, और ग्रैंड ट्रंक रोड आपके पास किसने बनाया था ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A मैं जो है आपके पास जवाहर सुरंग प्रेजेंट है। ओके, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। ओके, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 47A। ओके, जिसकी लंबाई कितनी है आपके पास, 6 किलोमीटर। ओके, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी आपके पास, मनाली रेल राजमार्ग। ओके, एंड 1960 ईस्वी में आपके पास सीमा सड़क संगठन की जो है स्थापना की गई थी। एंड स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देशों के 4 महानगर जो आपके पास दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया एंड कोलकाता हो गया को जोड़ने वाली 4 लेन वाली दुर्ग मार्ग, यानी आपके पास 4 लेन वाली जो है ये आपके पास एक NH बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि आपके पास क्या करती है, 4 महानगरों को जोड़ती है। आपके पास दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, वो कोलकाता हो गया। ओके, इनको वो आपस में यहाँ पे जोड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट इसी में हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इस सड़क की जो आपके पास टोटल लंबाई है वो है 5,846 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट चलें उत्तर दक्षिण में, तो आपके पास कारीडीर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला 7,142 किलोमीटर लंबी सड़क है। एंड इसमें आपके पास कोची सलेमपुर तिरयक मार्ग, ओके, वो भी इसमें शामिल है। एंड पूर्व पश्चिम कॉरिडोर असम से सिल्वर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। ओके, देन भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद उड़ीसा में, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। ओके, भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, एंड तो सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है आपके पास उड़ीसा। ओके, अब राजमार्गों की बात करें तो कौन सा राजमार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक जो आपके पास चलता है। राजमार्ग 1 की बात करें तो दिल्ली पाक सीमा तक है आपके पास है। ओके, राजमार्ग 2 की बात करें तो दिल्ली कोलकाता के पास है आपके पास। 3 की बात करें तो आगरा और मुंबई के बीच में, और इनका कितने किलोमीटर लंबे वो भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, एंड 4 की बात करें तो मुंबई चेन्नई में आपके पास। ओके, एंड राजमार्ग 5 की बात करें तो ये आपके पास कोलकाता एंड चेन्नई के बीच में है। 6 की बात करें तो कोलकाता एवं मुंबई के बीच में है। 7 की बात करें तो वाराणसी एंड कन्याकुमारी के बीच में है। 8 की बात करें तो जयपुर दिल्ली, जयपुर एंड मुंबई को आपस में जोड़ते। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है रेलवे। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट आपको पता है काफ़ी बड़ा है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ओके, और किस टाइम में चली थी आपके पास, ये चली थी हमारे पास 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी ये। ओके, एंड 37 किलोमीटर का जो है सफ़र इसने आपके पास यहाँ पे तय किया था। ओके, एंड पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग जो है आपके पास मुंबई में कुर्ला के बीच बना, जहाँ 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का जो परिचालन है आपके पास हुआ था। ओके, आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का 4th स्थान है। ओके, पहला किसका है, अमेरिका का, दूसरा आपके पास रूस का है, थर्ड आपके पास चाइना का है, देन थर्ड के ऊपर जो है, फोर्थ के ऊपर जो है वो इंडिया आपके पास है। ओके, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी, एंड 1950 में जो है भारतीय रेल का क्या किया गया था आपके पास, राष्ट्रीयकरण किया गया था।
एंड विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल में मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच में चली थी। ओके, पहली कब चली थी इंडिया में, आप देख सकते हैं 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे। और विश्व की बात करें तो 1825 में लिवरपूल में मैनचेस्टर इंग्लैंड में चली थी। ओके, एंड विद्युत रेल की बात करें पहली, तो आपके पास डेक्कन क्वीन थी। ओके, पहले भी जो विद्युत रेलगाड़ी थी उसका क्या नाम था आपके पास, डेक्कन क्वीन थी। ओके, और ये मुंबई एवं पुणे के बीच में जो आपके पास यहाँ पे चली थी। ओके, देन रेलवे गेज की बात करें आपके पास, तो रेल लाइन गेज। ओके, तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। ओके, तो आपके पास जो बड़ी लाइन है वो 1.676 मीटर है, यानी 58.177 किलोमीटर जो रेल मार्ग है आपके पास। एंड मीटर लाइन की बात करें तो 1000 मीटर। ओके, यानी 5334 किलोमीटर। छोटी लाइन की बात करें तो आपके पास कुछ 0.762 मिली से 0.610 मिली के बीच में आपके पास आती है। ओके, एंड टोटल आपके पास 65800। प्रमुख रेलवे स्टेशनों की बात करें तो आपके पास जो भी स्थापना है, यानी रेलवे स्टाफ कॉलेज, वो कहाँ पे आपके पास, बड़ोदरा में है। देन भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान आपके पास कहाँ पे है, पुणे में है। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग संस्थान हमारे पास नासिक में है। राष्ट्रीय रेल संग्रह का संग्रहालय कहाँ पे आपके पास, रेवाड़ी हरियाणा में है। ओके, रेलवे जोन की बात करें तो थोड़ा सा पुराना डाटा है, जो भी लेटेस्ट डाटा होगा, जो भी इसमें लेटेस्ट डाटा आ चुका है, जैसे हमारे पास रोड से रिलेटेड होगा या अदर होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास रेलवे के जो जोन है वो है 17। ओके, जिसके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे मध्य रेलवे की बात करें तो मुंबई में है, पूर्वी रेलवे की बात करें तो कोलकाता में है, पूर्वी तट रेलवे की बात करें तो भुवनेश्वर में है, दक्षिण रेलवे की बात करें तो चेन्नई में है, दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो आपके पास कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। ओके, एंड देन इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है पूर्वी मध्य रेलवे, जो कि हाजीपुर में है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है हमारे पास, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में है, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है, देन उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे आपके पास मालेगांव गुवाहाटी में है, उत्तर पश्चिम रेलवे हमारे पास जयपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमारे पास बिलासपुर में है, एंड दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में, पश्चिम रेलवे मुंबई में, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में, एंड मेट्रो रेलवे आपके पास कोलकाता में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट है एंड उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे पास। ओके, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी आपके पास, विवेक एक्सप्रेस। ओके, यह आपके पास डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में जो है 4286 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करती है। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है एंड सिमिली गुडिया हमें भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा जो है रेलवे स्टेशन है। पहली भारत राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी आपके पास 1 मार्च 1969 को। भारत में पहली मोनो रेल मुंबई में चली। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपके पास गोरखपुर, जो कि यूपी में प्रेजेंट है, और 1355.40 मीटर ये लंबा है आपके पास। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जो है वो पीर पंजाल सुरंग है। ओके, कहाँ पे आपके पास, बनिहार काजीगुड़ खंड एंड कश्मीर घाटी के बीच में। ओके, कोंकण रेलवे परियोजना के तहत महाराष्ट्र में मंगलौर कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। कोंकण रेल मार्ग जो है आपके पास महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्य को आपस में जोड़ता है। भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1942 में इंदिरा गांधी द्वारा कोलकाता रेल मेट्रो रेलवे के साथ हुआ था। यह मेट्रो रेल 1884 ईस्वी में आपके पास चली थी। दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति जो है वर्ष 1996 में, जबकि परिचालक सर्वप्रथम 25 दिसंबर 2002 को 30,000 से सादर के बीच में आपके पास हुई थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, जैसे बात करें महत्वपूर्ण पर्यटन ट्रेन की, जैसे आपके पास ट्रेन का नाम हो गया एंड स्थान हो गया, जैसे आपके पास डेक्कन ओडिशा हो गई तो ये आपके पास महाराष्ट्र में चलती है। हेरिटेज ऑन हिल्स ये आपके पास राजस्थान में है। रॉयल राजस्थान ऑन हिल्स ये हमारे पास दिल्ली से राजस्थान के बीच में चलती है। महाराणा एक्सप्रेस आपके पास मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता के बीच में ये चलती है। ओके,
देन इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड थर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपके पास किस तरह से है, देखिए केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय आपके पास कहाँ पे, कोलकाता में। इसकी स्थापना जो है हमारे पास 1967 में की गई थी। ओके, इसकी जो स्थापना है वो सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी। ओके, यह निगम मुख्य रूप से गंगा, भागीरथी, हुगली, सुंदरबन और ब्रह्मपुत्र नदियों में अंतर्देशीय माल लाने ले जाने के काम जो है करता है। ओके, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे आपके पास, नोएडा में है। ओके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय देशालय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन आपके पास 1886 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था ये, इसका मुख्यालय जो है नोएडा में आपके पास प्रेजेंट है। ओके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जैसे NH हो गए, नेशनल हाईवेज होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास नेशनल वाटर मार्ग हैं। ओके, यानी जल मार्ग हैं, तो NW नेशनल वाटर, ओके, एंड NW 1236 तक है हमारे पास। तो ये कब बने थे आपके पास, फर्स्टली बना था अक्टूबर 1986 को इलाहाबाद से हल्दिया तक। ओके, डिस्टेंस आपके पास 1620 किलोमीटर। देन NW 2 बना सितंबर 1988 को सदिया से धुम्बरी पट्टी यानी ब्रह्मपुत्र नदी में 891। देन हमारे पास इसका नेक्स्ट था यानी घोषणा तय थी NW 3 फरवरी 1993 को कोलम से कोटम्बटूर के लिए। ओके, 196 आपके पास हो गया यहाँ पे। देन हमारे पास नवंबर 2008 में बना था कानो नाडा से मर्क नाम के लिए। ओके, तो हमारे पास 1100 था हमारे पास। देन 2008 में आपके पास NF 5 बना था जो कि तलचेर से पारादीप के लिए था, 623। देन हमारे पास भागा से लखीपुर तट के बीच में बना था 121। ओके, तो ये बने तो पहले से ही थे मगर केवल इनको घोषित किया गया था। ओके, जहाज रानी, तो भारत में जहाज रानी परिवहन का विकास जो है 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के कंपनी ने इसकी स्थापना की थी जहाज रानी, क्योंकि भारतीय जहाज रानी नगर निगम या निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। 2009 में इसे जो है नवरत्न का दर्जा जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया था। ओके, याद रखिएगा जहाज रानी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिपिंग एवं समुद्री आगमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में जो है इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। ओके, 1986 में जो है की गई थी इसकी स्थापना। देन हमारे पास आता है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स पढ़ लिए, फर्स्टली हमने आपके पास जो रोड्स हैं उनको स्टडी किया, देन हमने रेलवे को स्टडी किया, यानी जो भी हमारे पास धरती के ऊपर हो गए, हमारे पास किसी पाथ के ऊपर हो गए यानी किसी पटड़ी के ऊपर चलने वाले हो गए। अब पानी का हमने स्टडी कर लिया, अब लास्ट हमारे पास बचता है एयर सिस्टम। ओके, कि हवा से ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत से 1911 में जब इलाहाबाद से नैनी तक वायु यान डाक सेवा का गठन हुआ था। ओके, देन भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन जो है 1 अप्रैल 1995 को किया गया था, जो देश की सबसे या देश के सभी हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है। एंड 1933 में जो है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी। एंड 1953 में जो है सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नव निर्मित निगमों में जो है के अधीन लाया गया था। फर्स्ट था आपके पास भारतीय विमान निगम, सेकंड था आपके पास एयर इंडिया। ओके, एंड 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्रों की विमान कंपनियां यानी एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम को इंडियन एयरलाइंस का जो है विलय कर दिया गया था, जो कि आजकल भी चली हुई है। यह 2 कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ लिमिटेड यानी NACIL के नाम से जो है कार्य करती है। एंड कंपनी का जो ब्रांड नाम है वो है एयर इंडिया। ओके, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसका जो शुभकरण है वो महाराजा है। ओके, इसका जो शुभकरण है या शुभकर है वो महाराजा है। ओके, देन हमारे पास चलते हैं अब जो मेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो फर्स्टली आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पास नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में हमारे पास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपके पास कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पास चेन्नई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा हमारे पास
नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा हमारे पास अहमदाबाद में है, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास गुवाहाटी में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास लखनऊ में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास अमृतसर में है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास तिरुवनंतपुरम में है, कालीकट हवाई अड्डा हमारे पास कोची कोड में है, शेख अल आलम हवाई अड्डा हमारे पास श्रीनगर में है, ओके। देन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, कोची जो है आपके पास कोची में ही है, बीर साबरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में आपके पास है, दाबोलिम हवाई अड्डा आपके पास गोवा में है, एंड कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलोर में है, मंगलुरु हवाई अड्डा जो कि 2012 में बना था वो भी मंगलुरु में है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पास इंदौर में है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास जयपुर में है, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास कोयम्बटूर में है, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा हमारे पास तिरुचिरापल्ली में हमारे पास है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारे पास कहाँ पे है, वाराणसी में है, ओके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास और इसको याद रखिएगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि इनके लिए कोई ट्रिक बनाना अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास कोई इसके लिए ट्रिक बनती है तो हम आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम है, जो वहाँ की फेमस पर्सन थे या जिन्होंने कोई ऐसा काम किया था कि जो एक इतिहास में जो है दर्ज किया गया, तो उन्हीं के नाम के ऊपर है, ओके। इतना से याद रखिए, बाकी अब जैसे इंदिरा गांधी हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, जहाँ से वो रिलेटेड थे, जैसे आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, मराठा से रिलेटेड थे, तो मुंबई वहाँ से आप याद रख सकते हैं, ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो कोलकाता से रिलेटेड थे, तो वहाँ पर आपके पास होगा, यानी जहाँ से वो रिलेटेड हैं वहीं से आपके पास उनकी वैल्यू आपके पास आती है, ओके। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।